वेलकम टू सोशल। चुप एक ऐसी मूवी है जो हर रिव्यूअर और फिल्म मेकर को एक बार जरूर देखनी चाहिए। मैं काफी सरप्राइज था इस फिल्म की स्टोरी लाइन से, जो फिल्म रिव्यूअर्स और सीरियल मर्डर्स के अराउंड रिवॉल्व करती है। बीइंग अ रिव्यूअर, मैं फिल्म के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, इसलिए मूवी देखने के बाद आई थॉट ऑफ मेकिंग एन अपीयरेंस इन माई ओन रिव्यू एज वेल। सो हियर गोज माई ऑकवर्ड इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, सो आई एम हियर इन माई वीडियोज अगेन। Gets very difficult for me to just appear in my videos, but I just thought it's like, you know, it's better if I come in my videos more often and interact with you guys. So I'm comfortably sitting in my bedroom, I'm sitting in my Zoom calls, record kar raha hu, so nothing so fancy about my setup. This is not a setup. But yeah, I just thought I should come more often and talk about movies, at least in the intro. So aaj maine dekhi Chup, aur is movie ka kya storyline hai? Kya amazing storyline hai. Literally, there is a killer going around जो रिव्यूअर्स को मार रहा है फॉर गिविंग बैड रिव्यूज और यू नो फेक रिव्यूज। एंड मैं लिटरली सोच रहा था कि अगर ये चीज मेरी रियल लाइफ में हुई होती तो मैं बच जाता, सीरियसली, बिकॉज मैंने आज तक किसी मूवी को कोई बुरा रिव्यू नहीं दिया इतना, एंड आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड सिनेमा एज इट इज। सो यस, मैं बच जाता मुझे लगता है। बाकी यूट्यूबर्स का मुझे पता नहीं, बिकॉज देयर थंबनेल्स एंड एवरीथिंग आर लाइक वो, सो थंबनेल मर्डरर डेफिनेटली। So, awkward वरुण थोड़ा, so please be supportive, थोड़ा comments में ये मत कहने लग जाना कि ओ ये क्या हो रहा है। But anyway, let's start the review and yeah, I like to come more often so I can communicate more and मैं ज़्यादा movies review कर पाऊँ ऐसे। So yes, see you soon, bye. मैं definitely कोशिश करूँगा अपने reviews में और appearances देने की, जिससे मैं आपके साथ और interact कर पाऊँ। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फिल्म दैट आई वॉन्ट अ रिव्यू, पर कभी कभी टाइम ना होने की वजह से, ना एडिटिंग सेटअप होने की वजह से वो मूवीज़ रह जाती हैं। सो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रिव्यूज़ में थोड़ा बहुत आना शुरू करूँ, जिससे मेरे लिए कुछ चीज़ें करना और आसान हो जाए। थोड़ा सा मैं इंट्रोवर्ट हूँ अभी कैमरा के लिए, तो आई होप माई सिनेफाइल बडीज़ अंडरस्टैंड दिस। एनी वे, रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। सो वी हैव गॉट अ न्यू काइंड ऑफ अ सीरियल किलर, जो स्टार देने वालों को स्टार दे रहा है, क्रिटिक्स का क्रिटिक। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 1, साइकोलॉजी बिहाइंड द किलिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिल्म की स्टोरी लाइन सीरियल किलिंग्स के अराउंड बेस्ड है, जहां पे फिल्म रिव्यूअर्स के मर्डर हो रहे हैं। ये प्लॉट सुनने में कितना ज्यादा कैची लगता है, पर आपको क्या लगता है, बस इतना प्लॉट होना ही एक फिल्म को एलिवेट करने के लिए बहुत है? नॉट एट ऑल। सच यूनिक स्टोरी लाइंस नीड मोर डेप्थ इन द नैरेटिव। एंड yes, ये फिल्म अपनी मर्डर मिस्ट्री के अराउंड एक डेप्थ फील कराती है। मर्डर्स क्यों हो रहे हैं और ये सीरियल किलर सिर्फ रिव्यूअर्स को ही क्यों मार रहा है, इन सब के पीछे एक फिलॉसफी है जो ऑडियंस को अच्छे से समझाई जाती है। मेंटल ट्रॉमा से भी एक जुड़ा नैरेटिव है जो आपको फिल्म में दिखाया जाता है। सो ऑन अ ह्यूमन लेवल इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड द होल फिलॉसफी ऑफ द किलिंग्स। कागज के फूल उनकी सबसे पर्सनल और बेस्ट फिल्म को क्रिटिक्स ने ट्रैश कर दिया, डिप्रेस्ड होकर उसके बाद फिल्म ही नहीं बनाई। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 2, दुलकर सलमान की परफॉर्मेंस। मुझे लगता है कि दुलकर सलमान एक ट्रू पैन इंडियन एक्टर हैं। वो मलयालम फिल्म्स के साथ तमिल, तेलुगु, हिंदी सब तरह की फिल्म्स करते हैं, एंड ओवर दैट ही मेक्स एवरी कैरेक्टर हिज ओन। चुप में भी जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, ही डिलीवर्स एन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन इट। एंड ऑल्सो वी शुड अप्रिशिएट द फैक्ट कि वो अपने करियर के पीक पे होते हुए कितने चैलेंजिंग और यूनिक फिल्म्स कर रहे हैं। इन दिस मूवी ही एक्चुअली मेक्स यू फील द इमोशंस ऑफ हिज कैरेक्टर एंड समवेयर यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद हिम। That actually means कि performance कितनी strong रही है। Strong point number 3, thankfully इस film की cliched ending नहीं थी। Honestly मैं कहूँ तो film के second half से मैं थोड़ा disappointed था, पर film की ending से नहीं। Second half इतना flat जा रहा था कि मैं literally सोचने लगा था कि film की ending कहीं वैसी ही ना हो जैसी हर serial killer movie की होती है। Film के end में सब कुछ बहुत अच्छे से explain किया जाता है, और जब आप theater छोड़ के बाहर जाते हो, you definitely start conversing about the whole film. That is an experience I always look for after a film. And thankfully, इस बार हर तरह की ऑडियंस थी और सब मूवी को ही डिस्कस कर रहे थे। Now, one very special mention about background music. इस फिल्म में ना बहुत ही यूनिक तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया गया है, स्पेशली मैंशनिंग पुराने गानों की वो जो ट्यून्स हैं उनका म्यूजिक। एंड सिंस फिल्म का वर्ल्ड सिनेमा के अराउंड बेस्ड है, तो इसका म्यूजिक भी बहुत सिनेमैटिकली लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको वो पुरानी टेप्स याद होंगी फिल्म्स की, जिससे वो रील निकलती थी, उस रील के चलने के बाद जो साउंड आती है वो भी एज बैकग्राउंड म्यूजिक यूज की गई है, एंड ट्रस्ट मी इट लुक्स वेरी थ्रिलिंग।
Now let's talk about what could have been better in the film. मेरे ख्याल से दुलकर के अलावा सबकी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती थी. आई एम सो सॉरी टू से बट दुलकर के अलावा नो वन रियली एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द स्टोरी. सबकी परफॉर्मेंस लिटरली एक्टिंग टाइप बहुत ही जेनरिक लगती हैं. फॉर एग्जाम्पल सनी देओल रियली ट्राइज टू गिव हिज बेस्ट. मैं डेफिनेटली अप्रिशिएट करता हूँ कि वो इस तरह की फिल्म कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी एज एन एक्टर उतनी रेंज नहीं है जितनी इस फिल्म की स्क्रिप्ट डिमांड करती थी. मैं एक्चुअली सोच रहा था कि थोड़ा रमन राघव 2.0 टाइप यू नो लेवल अप परफॉर्मेंस देखने को मिले दोनों ही एक्टर से, पर इस फिल्म में ऐसा नहीं होता है. लिटरली दुलकर इज हैंडलिंग ऑल द फिल्म. इसके अलावा स्नेहा धन्वंतरी इज एक्चुअली लाइक स्नेहा धन्वंतरी. जिस तरह से हम उन्हें वेब शोज और मूवीज में देखते हैं वो लिटरली वही रोल यहाँ पे भी प्ले कर रहे हैं. इसके अलावा फिल्म में पूजा भट्ट भी हैं जो बहुत सालों बाद स्क्रीन पे दिखाई दी हैं. एंड इन वन वर्ड दैट कैरेक्टर वॉज टोटली ओवर एक्टेड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वीक पॉइंट ऑफ द फिल्म. जो मेरे ओपिनियन में बहुत बड़ा वीक पॉइंट है वो है क्लीशे सब प्लॉट्स. अब जितने लोगों को सब प्लॉट्स का मतलब नहीं पता है, लेट मी टेल यू, सब प्लॉट्स वो छोटी छोटी कहानियां या सिचुएशंस होती हैं जो फिल्म के एंड होने तक दिखाई जाती हैं एज अ बिल्डअप कि स्टोरी यहां तक कैसे पहुंची और एंड में ऐसा क्यों हुआ. सो ये होती है सब प्लॉट की डेफिनेशन. चुप के सब प्लॉट्स मेरे ओपिनियन में थोड़े बेटर हो सकते थे, स्पेशली स्नेहा धन्वंतरी का कैरेक्टर. उनका कैरेक्टर फिल्म में एक फिल्म बफ होता है जो फिल्म्स के बारे में लिखता होता है और उन्हें सिनेमा की हिस्ट्री वाइज भी बहुत नॉलेज है. मैं लिटरली बहुत अमेज्ड हूँ कि उनके कैरेक्टर को एक सिनेफाइल की तरह दिखाया गया है, पर वो फिल्म में बहुत ही ऑब्वियसली चीज़ें सामने नहीं देख पा रही थी. इन माई ओपिनियन दिस इज जस्ट लेजी राइटिंग. वहीं दूसरी तरफ पूजा भट्ट का कैरेक्टर जो कि एक रिसर्च स्कॉलर साइकेट्रिस्ट है, वो लिटरली बस ऑडियंस को समझाने के लिए है कि हाँ जी साइकोपैथ ये होते हैं और ये फिल्म में ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है. जितने भी उनके सीन्स हैं उसमें एटलीस्ट वो 5-6 बार तो साइकोपैथ बोल के ही जाती हैं. सो मेरे ओपिनियन में एक अच्छे स्क्रीन राइटर को इतनी बार एम्फोसिस करके चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो इसीलिए मेरे लिए फिल्म के सब प्लॉट्स एक वीक पॉइंट थे. ऑल राइट, ये तो था मेरा रिव्यू मूवी चुप का. आई लव दिस फिल्म इन मैनी एस्पेक्ट्स और अगर इस फिल्म के वीक लिंक्स नहीं होते तो ये डेफिनेटली मेरे लिए तो एक इंस्टेंट कल्ट बन जाती. आई रियली लव सच यूनिक आइडियाज एंड आई ऑलवेज वॉन्ट सपोर्ट देम. इसीलिए फॉर मी ओवरऑल दिस फिल्म वॉज अ गुड वॉच. अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो आई रियली हैड अ गुड टाइम वाइल वॉचिंग द फिल्म. ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस रिव्यू. इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @vishalansinema, जहाँ पे मैं सिनेमा के रिलेटेड चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ. सो इफ यू लाइक माई रिव्यूज़ यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल.